आइसोट्रॉपिक मटेरियल का बात करें तो सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होते हैं सेम होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल में। एनिसोट्रॉपिक में क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे तो सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी इधर K1 होगा तो इधर K2 होगा तो इधर K3 होगा तो K4 होगा, इस तरह से सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल में क्या होता है, सेम मटेरियल इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सेम होते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक का बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल से ही ऑर्थोट्रॉपिक बना है। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। पेडेस्टल कब करते हैं, जब इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होता है, या इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना 9 टाइम्स ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन से कम होता है, तो उस केस में जो बीम होंगे उस कॉलम जो होंगे सॉरी कॉलम जो होंगे उसको पेडेस्टल कह सकते हैं। एम बाई इज्कवल टू सिग्मा बाई इज्कवल टू ई बाई आर, ये बेंडिंग जनरल बेंडिंग इक्वेशन है। शियर फ्लो किस तरह से निकाल सकते हैं, शियर फ्लो का वैल्यू होता है वी क्यू ओपन आई, या क्यू क्या होता है एरिया इंटू वाई बार। एरिया क्या होता है, जिस इस सरफेस पे अगर आप मान लो आपको शियर फ्लो निकालना है तो इस सरफेस के ऊपर जो एरिया है, ये पेंटेड एरिया है, इसका एरिया निकालते हैं, और इसका सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द ये एक्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से सीजी का डिस्टेंस, ये होता है आपका वाई बार। तो ये वाई बार हो गया, इस तरह से आप शियर फ्लो निकाल